बंदर इतना स्मार्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं, मोबाइल भी ले लिया है, रोटी भी ले चुका, चने भी ले चुका, लेकिन बोल जा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग लाइफ KCH। तो जैसा कि बज चुके हैं 3:30, सारे हम लोग सुबह के 3:30 बज चुके हैं, बहुत ही जल्दी उठ गए हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ से अब नेक्स्ट जगह भी जाना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, फ्रेश वगैरह होंगे जाके और रेडी होंगे, उसके बाद हम लोगों को करीब 4:30 बजे तक यहाँ से निकलना है आगे के लिए। सुबह का बज रहा है 4:45, हम लोग उठे थे 3 बजे, अब हो चुके हैं हम लोग रेडी, अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो आप लोग भी पूरा देखिएगा ब्लॉग एंड तक, अब आपको पता चलेगा कि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं आज। तो चंदन भाई चला जाए, चला जाए भाई ज़रूर, क्योंकि हम लोग सुबह 3 बजे उठे थे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस इस टाइम लग रही है, क्योंकि सुबह का मौसम अगर ट्रैवलिंग कर लो ना तो बड़ा फील सा अच्छा फ्रेशनेस लगता है। आगे हम लोग ज़्यादा घूम सकते हैं दिन भर में। हाँ, तो हम लोग उसका पूरा सुबह का जो अभी हम लोग टाइम यहाँ पे जो जल्दी उठे हैं उसको पूरा बचा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपनी कार से और आगे ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं हम लोग। हमारे रुके हैं चाय के लिए, सुबह सुबह इन्हें चाय ज़रूर चाहिए, उठने भैया यहाँ चाय बना रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट ट्रिप पे आए हुए हैं, तो नेक्स्ट ट्रिप इस टाइम हम लोग वृंदावन में है, मथुरा वृंदावन में। इस टाइम कहाँ पर है हम लोग? यहाँ पे हम लोग अब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जैसा आप लोग पीछे देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है निधिवन मंदिर, मथुरा का बहुत फेमस मंदिर है। तो हम लोग आगे एंट्री करते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर का क्या व्यू है। ये हम लोग निधि वन में आ चुके हैं, आप पूरा देख ही रहे हैं, वन है चारों तरफ, इधर चारों तरफ पूरा वन ही वन है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ब्लॉग जो है बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक है कि बंदर अगर हाथ में कोई भी चीज़ मिल गई, मोबाइल है, ट्राईपॉड है, चश्मा है, या कोई भी चीज़ वॉलेट है, कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ में मिल गई, प्रसाद वगैरह, तो सब यहाँ से छीन के ले जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना भी पड़ेगा, बहुत ध्यान से ब्लॉग बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग बनाना, मोबाइल निकालना या DSLR कैमरा वगैरह जो है यहाँ पे प्रतिबंध है। बाकी चंदन भाई हम लोग तो हैं ब्लॉगर, खतरों के खिलाड़ी, करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ब्लॉग में इसका पूरा दिखाएं। तो चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका पूरा व्यू ऐसा ना, यहाँ कोई बंदर आएगा नहीं, ये इतना है ना, तो यहाँ पे कोई बंदर अंदर तो लग रहा है कि यहाँ सेफ्टी में है, लेकिन अभी आगे जाते हैं बाहर। हाँ, दिक्कत है, अभी मोबाइल अपना चिंते चिंते बचाता मेन गेट पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। इधर सब पेड़ ही पेड़ है, काफी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। तब जाके महाराज कंप्लीट हुआ, तब कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से कुंड खोदा, सब सखियों ने पानी पिया, नाम पड़ गया ललिता कुंड, जय बोलो राधा रानी की। ये हम लोग आ गए हैं मंदिर में, चंदन भाई चलते हैं, मेन एंट्री है। बाकी आप लोग आ गए हैं यहाँ पे कृष्ण जी ने जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रास लीला करी थी, और यहाँ पे अपनी बांसुरी से यहाँ पे पूरा यह खोदा था, और इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है, तो वही हम लोग आपको दिखा रहे हैं। पहुँच जाती है इसके अंदर, ये जो लिखा भी हुआ है, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अब जैसा अभी हम लोगों ने पीछे एक मंदिर में दर्शन किए थे, राधा कृष्ण का मंदिर था, लेकिन वहाँ पे फ़ोटो और ब्लॉग बनाना मना था, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड था, तो हम लोग नहीं वहाँ पे बना पाए। लेकिन वहाँ की थोड़ा सा बताते हैं वहाँ के बारे में, कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, बाकी जो रात में श्रृंगार वगैरह होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जितना भी श्रृंगार होता है राधा जी का, वो रात में श्रृंगार आरती के बाद अपने आप कृष्ण जी वहाँ से जादू ही एकदम गायब हो जाता है, मतलब उसका कोई वो नहीं है, लेकिन है नेचुरली है वहाँ पे। तो ये पूरा आगे वन का ही रास्ता है,
यहाँ का ये काफ़ी बढ़िया हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये ऊपर से बंदर ने इतनी बार मोबाइल छीनने की कोशिश की पर लेकिन मोबाइल छीन नहीं पाया क्योंकि ये देख रहे हैं जगह जगह पर। बाकी इधर ये गाइड हमारा इन्हें कुछ नहीं पता रहता है, इनसे जो भी पूछो ये पेड़ क्या है बस पेड़ है, इनसे पूछो ये ये कुंड कौन सा है ये कुंड है, मतलब आएंगे महीने में 10 बार पर लेकिन पता कुछ नहीं है। ये फोटो खींचने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। जैसा फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं उधर काफ़ी हम लोगों के ब्लॉग में कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। तो अभी हम लोगों को एक पंडित जी ने बताया यहाँ पे जो एक रहते हैं कॉन्टिन्यूस गाइड हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात में ये जो पेड़ होते हैं ये अपने आप कोई जादुई मतलब प्राकृतिक यहाँ पे कुछ कृष्ण जी की कला है जो यहाँ पे राधा रानी का रूप वगैरह ले लेते हैं और यहाँ पे रात में आना मना रहता है लोगों का और आ नहीं सकते यहाँ पे, वरना यहाँ पे अगर जो लोग आते हैं मंदिर बंद होने के बाद अगर धोखे से भी यहाँ कुछ रह जाएं तो कुछ भी यहाँ पे अनहोनी हो सकती है कृष्ण जी के रूप में या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इधर देख रहे हैं हम लोगों को, जैसे मुझे हंसी आ रही है तो यहाँ पे बंदरों का ऊपर देखिए काफ़ी ज़्यादा तो हमें उसकी वजह से भागना पड़ा यहाँ पे। ये बिल्ली है ये भाई यहाँ तो चंदन भाई है अपना एक्सपेरिमेंट बना डाल रहा हूँ ना, ब्लॉग बनाना तक कठिन हो रहा है। तो ब्लॉग ये देखिए बंदरों की सताने ये देखिए आतंक मचा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे मंदिर बंसी चोरी राधा रानी, तो जैसा कि आपने भी देखा बंसी चोरी मंदिर, तो यहाँ का नाम इसीलिए पड़ा है बंसी चोरी क्योंकि यहाँ पे क्या है पहले कई साल पूर्व यहाँ पे राधा रानी जी का मुकुट चोरी हो गया था, तो कृष्ण जी ने फिर वृंदावन में जाके उनका मुकुट लेकर आए थे, तभी यहाँ का नाम तो कहीं हो गया है बंसी चोरी। देखिए बंदर एक मोबाइल लिए गए हैं यहाँ पे काफी ज्यादा हल्ला हो रहा है, बोले उसने ले लिया उसने ले लिया चने चने। बंदर इतना स्मार्ट है यहाँ पे देख रहे हैं, मोबाइल भी ले लिया है, रोटी भी ले चुका, चने भी ले चुका, लेकिन वो जा रहा भाई मोबाइल लेके जा रहा है यार वो, और वो मोबाइल लेके आगे जा चुका है। तो यहाँ पे मोबाइल छुड़ाना बहुत मना मुश्किल काम है वो देखो, पर आप भाई देख रहे हैं आप लोग कितना खतरनाक है यहाँ पे ब्लॉग शूट करना कैसा रहा। अरे भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पे कमेंट्री टाइप से भी बहुत बढ़िया मिमिक्री करी बंदर ने, अब मजा आ गया यहाँ पे, मतलब है ना पहली बार देखा लाइव में एकदम मनी माहौल क्रिएट हो गया था बंदर की वजह से, मतलब बार बार रोटी भी ले रहा है चने भी ले रहा है चिप्स भी ले रहा है उसके बावजूद भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा और सेल्फी लेने की कोशिश अलग कर रहा था। तो यहाँ पे आप लोग जब भी आए अपना मोबाइल चश्मा वगैरह सब सेफ जोन में रखें जेब के अंदर, हम लोगों की अलग बात है हम लोग यूट्यूबर हैं ब्लॉगिंग करते हैं ऑलरेडी फुल सेफ्टी के साथ, फुल सेफ्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर ले गया तो दौड़ना हम लोगों को भी पड़ जाए रोटी और चिप्स देने। आप कहाँ जा रहे हो? अभी आप लोगों ने देखा हम लोग निधिमल मंदिर में घूम के आए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, और यहाँ की जैसे मान्यता है लोग कहते हैं कि अगर आप लोग मथुरा आए हैं और बांके बिहारी मंदिर नहीं आए तो आप लोग समझ लो कोई मंदिर नहीं आए, यहाँ के बिना मथुरा का पूरा दृश्य अधूरा है। तो अब हम लोग चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। ये अब हम लोग अब प्रसाद ले चुके हैं और अब बांके बिहारी मंदिर चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सब लाइन, तो यहाँ पे पेड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। क्या खा रहे हो? बहुत फेमस है मतलब वृंदावन कुरचन कहते हैं इसको, ये हम लोग खा रहे हैं जैसे अभी, और अभी हम लोग गए थे बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने, अंदर एंट्री तक का बना पाया था लेकिन उसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो हम लोग अंदर का ब्लॉग नहीं बना पाए, और अब हम लोग वापस आ चुके हैं और इधर ये मिठाई की दुकान है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं, राधा रानी और कृष्ण जी का था तो वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था तो हम लोग वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाए, हम लोग सिर्फ मंदिर की एंट्री और मंदिर का एग्जिट का ही बना पाए थे। तो इस टाइम आप जैसा कि देख रहे होंगे पीछे नदी है रिवर, तो इसे यहाँ पे यमुना रिवर बोली जाती है। इसकी मेन मान्यता और खासियत ये है कि जिस दिन कृष्ण जी का जन्मदिन हुआ था कंस के बारावास में, तो उस दिन वासुदेव जी ने कृष्ण जी को एक टोकरी में रख के नंदलाल जी के यहाँ देकर आए थे, जब वो मतलब बहुत ही अद्भुत है, आप लोगों ने देखा होगा राधा कृष्ण का शो होता है कि जैसे ही कृष्ण जी का जन्म हुआ यहाँ पे यमुना जी पूरा ऊपर तक उफान मार के आ गई, मतलब इतना ज़्यादा कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था उस दिन हुआ था यहाँ पर। तो दूर दूर तक आप इधर दिखा सकते हैं चंदन जी, इतना दूर दूर तक देख रहे हैं इधर यमुना जी ही हैं, ये आप पूरा इधर देख सकते हैं,
बहुत ही शानदार व्यू, आप तो अभी से ब्लॉग में देख रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ खड़े हैं तो बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का। इसलिए अगर एक बार आप लोग अगर यहाँ आए हैं वृंदावन में तो बांके बिहारी मंदिर और यमुना जी ज़रूर आएँ, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही एक तरह से शांति मिलती है यहाँ पर आके। हम लोग अभी वन गए थे, वन में ऐसा लग रहा था कि शांति यहीं बैठे रहें एक डेढ़ घंटे, पर टाइम नहीं था हम लोगों के पास, तो फिर हम लोगों ने कहा चलिए अब चलते हैं आगे का भी, और आगे भी हम लोग अब कई जगह जाने वाले हैं, तो आप पूरा ब्लॉग में देखिएगा एंड तक। चंदन भाई कहाँ आए हो? अब हम लोग यहाँ पे आए हैं इस्कॉन मंदिर, और इसको एक थर्ड फॉर्म में अंग्रेज मंदिर भी कहते हैं, यहाँ पे कई लोगों ने हम लोगों को बताया है, और बाकी हम लोग चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं कि यहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड है कि नहीं। स्थापना है, जो इसके मेन गुरु हैं उनका नाम है शीला प्रभुपाद, जिन्होंने कृष्ण जी को लेके मतलब एक पूरा पूरे वर्ल्ड में घूमे थे और इसको अकेले दम पे पूरे वर्ल्ड में फैलाया था, उन्हीं के ब्रांच है पूरी है, इनके बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर बने हुए हैं जगह जगह पे, वर्ल्ड में भी बहुत फेमस है कृष्ण जी को लेके। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर के लिए।